अरे तो इंटीरियर भी हमारे जैसे ही है गाइस टोटली। यार जिग्गू ये मेरे को मेरी वाली लग रही है, दिमाग ना खा। एक तो मैं ऑलरेडी थक गया हूँ। होटल कह रहे थे, होटल की जगह ये काले क्या गए, ये दुबई गैंग वाले। सब तो ये दुबई गैंग वालों ने हमें घुटने पे बिठा दिया है भाई। हमने ऐसा पता नहीं क्या ही करा है कि मैं, हम झूठ नहीं बोलती, मैं तो नन्ना मुन्ना राय होती और देश का सिपाही होती, मैं तुमको गोली से मरवा देती। अरे नहीं नहीं, मुझको गोली से नहीं मरवाती, अभी तो मेरी शादी भी नहीं होती। हे गाइस, स्वागत है आपका मेरी ब्रांड न्यू वीडियो में। तो कैसे हैं आप लोग, खूब कर तो सब बढ़िया होंगे, मजे करोगे। तो मैं आपका प्यारा जिमी आ चुका आप सबके लिए एक ब्रांड न्यू वीडियो लेके। और फिलहाल जैसे कि आप लोगों को पता है गाइस कि मैं हूँ दुबई में, बिल्कुल हबीबी कम टू दुबई। पर पहले दिन मैं दुबई घूम तो लिया, पर अब मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। और वो गड़बड़ क्या है बताता हूँ दोस्तों, इससे पहले चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करो। देखो हम दुबई में लैंड हुए, पहले तो शुरू से बताते हैं। सीन ये था, दुबई वालों ने हमें बुलाया दुबई और ये खुद हमें लेने आए। आने में इन्हें देरी भी हुई, पता नहीं क्यों हुई, फिर ये हमें लेके आए। उन्होंने मुझे ये मर्सिडीज दी जिसमें मैं घूमा, वो वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी। और घूमने के बाद इन्होंने दोबारा हमें यहाँ पे बुलाया और फिर हमारी जैसी रेंज रोवर लेके आ गए और कह रहे कि चलो हमारे साथ। अब मुझे ना थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, ये रेंज रोवर मुझको मेरी ही रेंज रोवर लग रही है। काफी लोगों को मैंने कमेंट्स भी पढ़े, वो कह रहे कि भाई ये जिमी तुम्हारी ही है। पर मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा, कुछ तो गड़बड़ और मुझे लग रही है भैया दाल में कुछ काला या दाल पूरी काली है। गाइस वो तो अब पता चल ही जाएगा, क्योंकि दुबई वाले ये बंदे मुझे कह रहे हैं फटाफट गाड़ी में बैठो। हाँ तो ये देखो, ये वाली मर्सिडीज इन्होंने दी थी मुझे चलाने के लिए। एक सेकंड, मैं ये देखना चाहता हूँ इसमें नंबर प्लेट क्या है पीछे की साइड। ओके, ओ भाई इन्होंने तो नंबर प्लेट ही हटा दी इस रेंज रोवर की, मैं पहचान भी नहीं पाऊंगा कि ये मेरी है या नहीं। क्योंकि जिग्गू ने एक चीज मुझे बोली थी कि भाई एक जैसी गाड़ियां बहुत होती है दुनिया में, और एक चीज ये दुबई वालों ने हमारी गाड़ी भी देखी थी रेंज रोवर जब ये हमसे डील करने आए थे। क्या पता इन्होंने अपनी खुद की भी वैसी बनवा ली हो। जिग्गू क्या लगता है तुझे यार, बताना, मुझे तो डर लग रहा है काफी ज्यादा। देख ये सारे हमारे साथ प्लेन में आए हैं पगले, तो हमारी गाड़ी यहाँ कैसे आएगी। हमारी गाड़ी वहीं है मेरे घर के उधर, तू खड़ी करके आई है ना तूने, तो वहीं है पगले। ठीक है चल, तेरी बात भी मैंने मान ली। तो गाइस जैसे कि आपने सुना, जिग्गू भी यही कह रहा है कि हाँ बात तो जिग्गू की भी सही है। यार देखो ये तीनों बंदे हमारे साथ ही तो आए थे फ्लाइट के टाइम पे भी, ये कहाँ से हमारी रेंज रोवर लेके आएंगे। पर चलो कोई नहीं, अब ये मुझे होटल लेके जा रहे हैं गाइस, तो होटल चलते हैं, लेट्स सी क्या होगा क्या नहीं। तो चल बाय बाय जिग्गू पटेल तेरी खोपड़ी में, हालांकि डर तो बहुत लग रहा है। अरे बैठ रहा हूँ ना, अब क्या छाती पे चढ़ेगा क्या मेरी। तो लेट्स गो गाइस, इन्होंने हमें गाड़ी में बैठने को कह दिया इस रेंज रोवर में। जिग्गू बैठ चुका है और मैं भी अब इस गाड़ी के अंदर बैठ रहा हूँ। लेट्स गो, लेके चलो भाई होटल में हमें। तो गाइस हम रेंज रोवर के अंदर बैठ चुके हैं और पहली बार मैं रेंज रोवर में पीछे बैठा हूँ। यार ये तो इंटीरियर भी हमारे जैसे ही है गाइस टोटली। यार जिग्गू ये मेरे को मेरी वाली लग रही है, दिमाग ना खा। एक तो मैं ऑलरेडी थक गया हूँ टू मच, तू थक गए हैं मेरे भाई, बीपी बढ़ गया गाइस की। चल क्या रहा है मेरे साथ, तो कुछ समझ सा नहीं आ रहा है। अब इनके ड्राइवर मियां नहीं आए जो गाड़ी चलाएंगे, इनमें से कोई सा चलाएगा मेरे ख्याल से। ये देखो ये वाले भैया भी साइड में बैठ गया गाइस, हमसे बात तो कुछ कर ही नहीं रहे। ये जब ही बोलते हैं जब कुछ काम हो, गाड़ी फिलहाल बंद है। ठीक है देखते अब क्या होगा क्या नहीं। यार बीपी तो टोटली मेरा बहुत ज्यादा हाई हो चुका है। आ, मार सूर्या पापड़ वाले नु, अरे चला लो भाई, कौन सा चलाएगा गाड़ी। कुछ तो मेरे ख्याल से इनकी बातचीत होती है भाई अंदर ही अंदर। बोकी टोकी लगा रखा है इन्होंने, बोकी टोकी सकते हैं या कान के अंदर वो ब्लूटूथ नहीं लगाते, वो लगा रखा है। कुछ तो गड़बड़ है, पता नहीं क्या है, पता नहीं कितनी देर में चलेंगे यार ये। अरे हिले हिले हिले, अच्छी ये चलाएगा क्या गाड़ी, इतनी देर से खड़ा क्यों था, इसकी मम्मी की बारात आ रही थी बूतने वाले की। तो लेट्स गो गाइस, ये दुबई गैंग वाले हमें रेंज रोवर में बिठा के लेके तो जा रहे हैं, पता नहीं क्या सीन होगा क्या नहीं। टोटली भैया मेरा तो बीपी बढ़ गया, मैं आप लोगों को बताऊं तो मुझे तो डर लग रहा है काफी ज्यादा कि क्या होगा क्या नहीं। सामने आप देख सकते हो बुर्ज खलीफा और ये दुबई गैंग वाले मुझे लेके जा रहे हैं गाइस। कह तो रहे हैं होटल लेके जाएंगे, पता नहीं क्या सीन है क्या नहीं। और इनकी बातों से भी ना गाइस मुझे थोड़ी बहुत गड़बड़ लगी है। जब मैंने इन्हों कहा ये हमारी जैसी है और इन्होंने ये कहा क्या पता तुम्हारी ही हो, ये तो गड़बड़ है भाई सही में यार। गड़बड़ छोटी मोटी भी नहीं, ये तो बड़ी गड़बड़ है यार। पर चलो लेट्स गो गाइस, ये होटल में लेके जाएंगे, कौन से होटल में लेके जाएंगे, क्या सीन होगा क्या नहीं। एक बार हम होटल पहुंच जाएं फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ और फिर ही मैं आप लोगों को कुछ बता भी पाऊंगा। सामने देख रहे हो ये रहा दुबई का ट्रैफिक और ये लेके किस साइड जा रहा है। भाई इसको देख के तो और गाड़ियां भी रुक गई, ये अलग ही सीन है भाई, यहाँ तो गड़बड़ चल रहा है, कुछ तो गड़बड़ है भाई। अरे ये कहाँ लेके आ गई है मुझे, ये तो होटल कह रहे थे होटल की जगह, ये कहाँ लेके आ गई है दुबई गैंग वाले, कुछ तो गड़बड़ लग रही है गाइस मुझे। ये क्या सामने कौन बैठा हुआ है यहाँ पे इतनी सिक्योरिटी के साथ, कुछ तो गड़बड़ है, ये क्या चल रहा है। ओह नो पिताजी उतरो
गाड़ी से उतरो। ये उतरने को कह रहे, उतरते उतरते। अरे चल रहे हैं भाई, जिग्गू आजा भाई, कुछ तो गड़बड़ है। तो फाइनली गाइस हम यहाँ पे आ चुके हैं। दुबई गैंग वाले हमें पता नहीं कहाँ लेके आ चुके हैं और कह रहे हैं कि घुटने पे बैठो, बैठ रहे। तो फिलहाल गाइस आप देख सकते हो ये दुबई गैंग वालों ने हमें घुटने पे बिठा दिया है भाई। हमने ऐसा पता नहीं क्या ही करा है और इन्होंने हमें घुटने पे बिठा दिया। और ये जो सामने आप देख रहे हो, ये जो नीले कपड़े पहन के बैठा है, ये है दुबई गैंग का लीडर। और इसको सिक्योरिटी कितनी दी गई है आप देख सकते हो। अरे हमने करा क्या ये तो बता दो। बताएंगे हम तुमको कि तुमने क्या करी क्या नहीं करी। लेकिन उससे पहले तुम हमको ये बताती, तुमको कुछ दिक्कत तो नहीं होती आने में? नहीं, दिक्कत कुछ नहीं हुई, पर हम तो, तुमने तो कहा था यहाँ पे कोई त्योहार है, तुम वो बनाने के लिए हमें बुला रहे हो सेलिब्रेट करने के लिए। सेलिब्रेशन तो होती, पर तुम्हारी मौत का जश्न सेलिब्रेशन होती। हमारी मौत का जश्न? हमने ऐसे करा क्या है तुम्हारे साथ? ये पूछो तुमने क्या क्या नहीं किया होती। तुमने मेरी रेंज रोवर चुराई होती, जो तुम पीछे देखती, जिसमें तुम अपने एरिया में घूमती। ये मेरी रेंज रोवर होती, ना कि तुम्हारी रेंज रोवर होती। तुमने मेरी रेंज रोवर चुराती और फिर मजे से इसको चलाती। तुमको मैं नहीं छोड़ती, बिल्कुल नहीं छोड़ती। अरे मेरी बात सुनो, ये रेंज रोवर मतलब ये वही वाली है जो मैं चला रहा था? अरे सुनो 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 मेरी बात सुनो, दुबई गैंग के लीडर भाई साहब, ये जो गाड़ी है ना, ये हमें इल्लुमिनाटी गैंग ने दी थी। हमारी इतनी औकात कहाँ कि हम रेंज रोवर चलाएं। अब तुम हमारे आगे बकवास भी करती। मुझे नहीं लगता कि तुम इतना गंदा होती, पर तुमने बहुत गंदा काम की होती। तुमने मेरी रेंज रोवर चुराई होती, हमने तुम्हारे साथ अच्छी तरह डील की होती, पर मैं तुमको भाई भाई समझती, पर तुमने बहुत गंदा काम कर होती। अब मैं तुमको नहीं छोड़ती, एक इशारे में तुम्हारा कच्चा भिगा देती। दुबई गैंग वाले होती हम। अरे नहीं, मैं इतना गंदा नहीं हूँ, माना हमारी डील हुई थी। और मुझे नहीं पता कि ये गाड़ी तुम्हारी है किसके क्या नहीं। पर तुम्हें बता दूं दुबई गैंग वालों, ये गाड़ी मुझे इल्लुमिनाटी गैंग ने गिफ्ट में दी थी। और क्यों दी थी? क्योंकि उन्होंने हमारी स्कॉर्पियो एन गाड़ी जो है वो डिस्ट्रॉय कर दी थी, हमारे शोरूम भी डिस्ट्रॉय कर दिया। तो मैं मजाक नहीं कर रहा, प्लीज मुझे जाने दो ना दुबई वालों। तुमको लगता मैं कॉमेडी करती? तुम मेरी प्यारी रेंज रोवर दिल के टुकड़े को चुराती, जिसको मैंने अपने हाथों से प्यार से मॉडिफिकेशन कराई होती। ये मेरी जान होती और तुम मेरी जान को चुरा के लेके जाती। मैं तुमको नहीं छोड़ती, नहीं छोड़ती। बताओ सच क्या होती? अरे मैं तुम्हारे दिल को टुकड़े को नहीं चुराती, मुझको नहीं पता होती ये रेंज रोवर तुम्हारी होती। अब तुम मेरी नकल भी करती, मैं तुमको नहीं छोड़ती। अरे सॉरी सॉरी प्लीज दुबई वालों। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो, दुबई गैंग वाले ने हमें अरेस्ट कर लिया और इनका कहना ये कि रेंज रोवर इनकी है। क्या चल रहा है भाई, दिमाग घुमा हुआ है मेरा तो प्रॉपर। ये हुआ तो हुआ, क्या है कछु समझ नहीं आ रहा। तुम अपना बंदा भेजती, मेरी रेंज रोवर चुराती और मेरे बंदों को मारती। शाबाश, बहुत अच्छा खेल खेलती तुम तो। अरे मैंने कोई अपना बंदा नहीं भेजती, तुम्हारी किसी बंदों को नहीं मारती मैं। कैसी बातें कर रहे हो दुबई गैंग वालों, यार मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। गाइस ये सब कुछ खेला गया था हमारे साथ सीन, इन्होंने जब भी हमें बुलाया है। ओ भाई पूरा गेम खेला गाइस दुबई वालों ने। आपने देखा ही गाइस, दुबई गैंग वालों को ये गाड़ी दिखी और शायद ये इल्लुमिनाटी गैंग वालों ने इनकी गाड़ी चुराई और हमें गिफ्ट कर दी। और अब दुबई वाले हमें पकड़ के लेके आ चुके हैं यहाँ पे। इतना दिमाग खराब हो गया इस इल्लुमिनाटी गैंग के चक्कर में। और ये दुबई गैंग वाले समझने को तैयार ही नहीं है कि भाई हमने ऐसा कुछ नहीं करा, हमने इनकी गाड़ी नहीं चुराई है। अरे सर जी तुम क्यों नहीं समझती, सच्ची में हम झूठ नहीं बोलती, मैं तो नन्ना मुन्ना राई होती और देश का सिपाही होती। तुम मेरे साथ कॉमेडी करती, रुको अभी मैं तुमको गोली से मरवा देती, तुम्हारा कच्चा उड़वा देती। मारो इसको। अरे नहीं नहीं, मुझको गोली से नहीं मरवाती, अभी तो मेरी शादी भी नहीं होती। अरे दुबई वालों सुनो सुनो सर जी, मैं मजाक से हट के कह रहा हूँ, मैं सच्ची अपने पिता श्री की कसम खाती मतलब खा रहा हूँ कि देखो भैया जी, इल्लुमिनाटी एक गैंग है जिन्होंने हमें ये गाड़ी गिफ्ट करी है। और उन्होंने क्यों करी है वो मैं ऑलरेडी बता के आ चुका हूँ कि क्यों करी है, क्या सीन है प्रॉपर क्या नहीं। इसीलिए उन्होंने हमारा शोरूम डिस्ट्रॉय करा और फिर बाद में हमारी दोस्ती हो गई, तो उन्होंने भाई बदले में हमें ये कार दी होती। मेरे पास सबूत भी होती, मैं सबूत मंगवाती, बताओ तुमको चाहती। तुम बार बार एक ही बात बोलती, ठीक है हम इस बात पे कार्रवाई कराती, अगर ये झूठ निकलती मैं तुम्हारा खोपड़ा उड़ा देती, अपने हाथों से उड़ा देती तुम्हारा खोपड़ा। तो ले जाओ इनको, ले जाओ इनको, हॉस्टल में पटक के आती जहाँ इनका रूम बुक किया होती, भगा कर ले जाओ। पर इनको छोड़ने का नहीं होती, 24/7 सिक्योरिटी होती, ये कहीं भग ना जाए होती। ठीक है बिल्कुल
पूरी कार्रवाई करो जो आपको करना है, पर मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा। ये रेंज रोवर मुझे इल्लुमिनाटी गैंग ने गिफ्ट करी थी। बिल्कुल गाइस आप भी बताओ यार इनको कमेंट बॉक्स में, ये रेंज रोवर मुझे इल्लुमिनाटी गैंग ने गिफ्ट करी थी। ऐसे थोड़ी मैं यार ऐसे किसी की रेंज रोवर चुरा लूंगा, मैं इतना गंदा थोड़ी हूं दुबई गैंग। वो तो वक्त बताती क्या होती नहीं, जो सच होती वो अपन देखती और फिर मैं तुमको जिंदा चबा देती। सुन रही होती? बिल्कुल, तुम मुझको मत छोड़ती, तुम मुझको कच्चा खा जाती। जो करना होती पहले पता करो कि ये रेंज रोवर सच्ची में इल्लुमिनाटी गैंग ने हमें दी होती। मैंने बोला होती जो सच होती वो तो वक्त बताती कि क्या सच होती क्या सच नहीं होती। फिलहाल के लिए तुम होटल जाती, अपने रूम में सोती, मोती जो करना होती, पर कल मैं तुमसे फिर मिलती सच्चाई के साथ, फिर मैं तुम्हारा कच्चा ढीला कर देती अगर ये बात झूठी निकली हो। ठीक है, थैंक यू। अरे जिग्गू तू क्यों दिक्कत ले रहा है भाई, देख सच तेरे को भी पता है क्या है क्या नहीं। इल्लुमिनाटी गैंग वालों ने ही हमें रेंज रोवर दी है। सच हमें ही तो पता है भाई, इल्लुमिनाटी गैंग को थोड़ी पता है कि सच क्या है क्या नहीं। कैसे सब भाई ये बता पाएंगे हम उन्हें? अरे तू दिक्कत मत ले, सब कुछ सेटलमेंट हो जाएगा, बिल्कुल भी दिक्कत मत ले जिग्गू पटेल भाई। गाइस आपने भी देख लिया कि क्या हुआ है क्या नहीं, बहुत गंदा सीन हो चुका है हमारे साथ। मैं आप लोगों को बता दूं दुबई गैंग वालों ने क्या हमारे साथ किया क्या नहीं, वो आप लोगों ने देख ही लिया। उन्हें लग रहा है कि जो रेंज रोवर है वो हमने भाई उनसे चुराई है। और ये रेंज रोवर किसकी है गाइस? ये दुबई गैंग का जो लीडर है ना, उसकी रेंज रोवर है। उसने भी बोला मुझे बहुत पसंद होती है, तुमने ऐसी करती। अब देखो सच्चाई आपको भी पता है कि रेंज रोवर हमें इल्लुमिनाटी गैंग ने गिफ्ट करी थी। हम ऐसी थोड़ी यार ले आए थे किसी को चुराव चुरू के, तो बात आप लोगों को पता चल ही रही है गाइस। और अब बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। अब आज तो उन्होंने छोड़ दिया भाई, पता नहीं अब क्या करेंगे क्या नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा। और हमारे फोन तक छीनने गए, और बाहर हमारे जो ये जो रूम हमारा है इसके आगे भी भाई सिक्योरिटी वाला खड़ा है कि मतलब हम निकल नहीं सकते, यहाँ से भाग भी नहीं सकते। ऐसा हो चुका है, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। मैं पिताजी से भी कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, देखते अब क्या सीन होगा क्या नहीं, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। पर होप करता हूं आपको हमारी आज की वीडियो में मजा आएगा। मजा आएगा सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं आप सबसे अगली एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, आप बताओ गाइस मैं क्या करूं क्या नहीं। यार ये दुबई गैंग वालों ने तो मुझे बहुत गलत चक्कर में फंसा दिया। यूं ही खुश हो गया मैं दुबई आया, इससे अच्छा मना ही कर देता। पर ये दुबई गैंग वाले अगर मैं मना करता तो मुझे घर से उठा लाते, जैसे ये रेंज रोवर उठा लाए वहां से। यार मुझे क्या पता था ये दुबई गैंग वाले की रेंज रोवर, नहीं तो मैं दूर से मना कर देता। अब संकट तो बहुत हो चुका है गाइस, पर क्या कर सकते हैं क्या नहीं, जो भी होगा आप सब लोगों को पता चल ही जाएगा। आज तो निकल लिए, कल मेरे को लग रहा भाई ये लठ लूढ़ना बजा दे हमारे। अगर इन्होंने लठ बजा दिया तो मैं क्या मार सोड़िया पापड़ वाले नू गाइस, हमारी तो ऐसी तैसी पक्का हो जानी। और जिग्गू ऑलरेडी टू मच डरा हुआ है, पर चलो कोई नहीं, मिलता है वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा, चंगा फिर अगली वीडियो मेरे प्यारे मित्रों।